सचिन तो, सचिन तो कमरे में भी जब 50 दिन तो वहां तो मरीज मरी मरी अधमरी छोड़ दिया। लोगों ने आके मुझे मुंह में पानी डाला था, तभी लोहे के दंड क्या किया था, मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी के पेट के 5 उंगलियां छप गई सचिन की। वही बच्चे हैं, एक दिन जो है नहीं मीडिया के सामने बोले थे हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे तुम लोगों ने बोला तो, मेरी माँ के लिए बोलते थे वो, मेरे बच्चे रोते हैं भैया, मुझे मार खा था देखते सारे बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार। दुनिया के जो है बच्चे रोते हैं, उससे बड़ा दुख तो है ये दे रहे हैं, उससे बड़ा बहुत बड़ा दे बस होके मैं रोती हूँ, मुझे तभी निकालते मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ बताओ सही बात, जैसे निकालते हो तो कहाँ जाऊँ, हमने सारी होता कोई ठिकाना तो एक पल में चले जाते, एक मार में चले जाते, मैं निकालते हैं बालों से घसीटते हैं भैया, तकलीफ होती है, दर्द से ज्यादा तकलीफ, दिल वाले दर्द होता है। इस तरह तो जो है उस जालिम ने भी कभी नहीं, उसने कभी नहीं, कभी इस तरह कभी नहीं करा था, हमने कभी नहीं घसीटा, मारा भाई ने बहुत, बार इस तरह नहीं, वो सचिन मार रहे हैं बिल्कुल मरने जैसा, छोड़ रहे हैं बिल्कुल बेहाल हो जाते, फिर छोड़ते हैं भी है, बट मारते तो नहीं है ना किसी को भी, दुख तो नहीं पहुंचाते। वही वही पापा हैं जो कहते थे हमारे घर की लक्ष्मी है रानी बन के रहेगी, हमारे घर की लक्ष्मी है रानी बन के रहेगी। हाँ ये कह रहे, तुम काल हो, तुम मुसीबत हो, तुम हमारी जान लोगे, हम तुम्हें 2 दिन में भगाएंगे, तुम्हें ऐसा दिखाएंगे, तुझे मजा चखाएंगे। हमारे से बात ही गलत में सचिन जितनी देर बोलती, मेरी नजर सचिन में रहती कि गलत का सीधा नाम बोल दे, इनको बोलने तक नहीं आता। लोग कहते सचिन को क्या देखती रहती, सचिन को यही देखती थी कहीं गलत ना बोल दे, और जब इनको बोलना नहीं आता था मैं इनका हाथ दबाती थी, पीछे कान में बोलती थी कि ये बोलो, उनको बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी, सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो अभी YouTube पर सर्च करें आमिर सिग्नल टीवी।